दू लाओ, बहुत दिन बाद आए आज हम। बहुत दाम बढ़ा, बढ़ गए दाम। दस रुपया का एक केला, कुछ थोड़ा बिजी भी चल रहा था और मेरा जो डेली व्लॉग का जो रूटीन था वो खराब हो गया था। एक दिन मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया था तो इस वजह से फिर मेरा जो शेड्यूल था वो खराब हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं सोच रहा था बनाऊंगा, फिर सोचा नहीं बनाऊंगा, तो ये सब चलता रहा यार। तो एक दिन मैंने शूट किया भी था अपना ब्लॉग बट वो मैं अपलोड नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा कि आप लोग को अपडेट दे दूंगा बट मैं नहीं दे पाया था क्योंकि यार और भी कामों में मैं काफी फंस चुका था। तो उन सब से फ्री री होके यार अब मैं थोड़ा फ्री हूं, तो मैं अब सोच रहा हूं डेली व्लॉग्स में कर सकता हूं। आई होप मैं आज से डेली व्लॉग करूंगा और पूरा अपडेट मैं आज से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मतलब कॉन्टिन्यूसली अपडेट दूंगा यार। तो फालतू का ये सब जो मेरा काफी बहुत था ना, तो वो सब अब दूर हो चुका है। तो अब लाइफ एकदम मस्त इंजॉय में है और तो यार अब पक्का डेली व्लॉग्स आएंगे, डेली इंस्टाग्राम में रील्स आएंगी, पोस्ट आएंगे, तो कोई भी अब मतलब कोई भी परेशानी नहीं है ना, एकदम पैरेलल लाइफ होगी। तो मतलब लाइफ एकदम मस्त हो रखी है, समझ रहे हो। तो अब डेली व्लॉग्स बनाने में भी मजा आएगा और आप लोग को दिखाने में भी मजा आएगा। तो डेली कंटेंट के लिए अब रेडी हो जाओ। मैं अभी बस थोड़ा सा काम के लिए मैं यहाँ आया था, तो मैं फटाफट यहाँ से निपटा के देन फिर निकलता हूँ। अभी मैं नहाया धोया भी नहीं हूँ और टाइम हो रहा है 3। मैं घर जाके अब क्या ही नहाऊंगा यार, अब घर जाऊंगा, मुंह धुलूंगा, कपड़े वपड़े चेंज करूंगा, उसके बाद फिर निकलते हैं, रील्स बनाएंगे, देन फिर फुल एंजॉय करेंगे यार। पक्का इस बार डेली व्लॉग आएंगे यार, परेशान नहीं। सो गाइस अब अपना यहाँ से काम हो गया है, मैं यहाँ से निकल दिया हूँ। तो यार मैंने मतलब डेली व्लॉग के लिए बोला तो है बट अगर अभी मेरे पेपर वेपर मतलब एक दो पेपर अभी मेरे बाकी भी हैं अगर बाय चांस, और अभी बीच में थोड़े बहुत फंक्शंस भी हैं, तो अगर क्या पता वहाँ जाना आना पड़े, बट आप लोग परेशान मत होइए, अब बोल दिया है तो व्लॉग आएंगे, पक्का आएंगे। और दूसरी चीज यार मैं सोच रहा था ना कि मतलब एक मैं अपना गेमिंग चैनल भी खोलूं, फुल पीसी वीसी हर चीज सेटअप वेटअप लगा के, प्ले स्टेशन जैसे नहीं होता है मतलब भाई, जैसे लोग GTA ये सब डालते हैं ना तगड़ा मतलब फुल सेटअप। तो आप लोग बताना अगर मतलब मैं गेमिंग अपना पूरा गेम सेटअप बनाऊं तो ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा यार। लेकिन दो दो तीन तीन चीजें संभालना ना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो यार फिलहाल तो अभी दो ही रखता हूँ, आप लोग बताना जैसा होगा मैं उस हिसाब से करूंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल तो अभी घर जा रहे हैं और भाई 3:30 हो गया, टाइम कुछ ज्यादा लग गया वहाँ पे थोड़ा। तो अब घर जाएंगे, बढ़िया फ्रेश व्रेश होएंगे, मुंह धुलेंगे, ब्रश व्रश करेंगे, ब्रश तो कर चुके हैं, और फिर खाना ना खा के देन फिर अगर टाइम हुआ रात नहीं हुई तो इंस्टाग्राम की रील्स बनाने जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं रील्स नहीं बनी है। तो फुल अपडेट अब रेगुलर रहेगा और हर चीज बस अब तगड़ी तरीके से होनी है। तो और हाँ, दूसरी सबसे मेन चीज जो थी, जो बहुत से लोग इंस्टाग्राम में मुझसे बोल रहे थे कि भाई डेली व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप व्लॉग्स नहीं डाल रहे हो, भाई कुछ नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हो गया। बस ये समझ लो जो परेशानी थी ना जिंदगी की वो दूर हो गई। मतलब जो जिंदगी की परेशानी थी ना जिसकी वजह से मेरा सर दर्द हमेशा 24 घंटे बना रहता था, चिक चिक पिक पिक चिक चिक पिक पिक, वो परेशानी दूर हो गई, बस ये मान लो। तो अब लाइफ एकदम चिल हो रखी है, तो अब किसी चीज की भी टेंशन नहीं है यार। तो बस घर आ चुका है, देन अब ऊपर जाता हूँ फटाफट, फ्रेश फ्रेश होके फुल चिल मार के निकलते हैं, फिर वीडियो बनाएंगे और फुल रूमा मचाएंगे। सो गाइस यार नहा धो के ऑल सेट, अब हम लोग निकले हैं। अब भाई आज से रूटीन अपना पूरा चेंज हो चुका है, तो चालू कर दिया सब कुछ, आज से अपना सब शेड्यूल अपना भाई, और हम दोनों जा रहे हैं जिम। अभी तो पहले मैं वापस घर जा रहा हूँ क्योंकि यार मैं अपनी टॉवल भूल गया हूँ जिम वाली, तो यार वहाँ पसीना आएगा, तो इससे पहुंचेंगे तो यार और लगेगा, समझ रहे हो। तो टॉवल लेके देन फिर जाएंगे, अभी कुछ खा भी तू लें, केले वेले, हाँ केले खा लेना, वार्म अप के लिए केले वेले खाएंगे कुछ, क्योंकि ब्रेड तो थी नहीं, अभी फिर ब्रेड लेने जाओ फिर जिम में लगाओ कोई मतलब नहीं। तो जल्दी से टॉवल उठाएं, उसके बाद जिम जाएंगे। भाई कितने दिन बाद जिम जा रहे हैं, तो तेरा तो टाइम हो गया, मैं तो अभी बीच में कर रहा था जिम, मैंने छोड़ दिया। नहीं है भाई,
अभी आ रहा है, अभी जल्दी आ जाओ। एक है क्या? अभी वहाँ पे है और रिया से निकल दिया है, बस आने ही वाला होगा। तो भाई हाँ, तुम चलाओ गाड़ी को। तो यार गाड़ी चला रहा है वो, ला भाभी फेंको। टॉवल जरूरी थी यार, क्योंकि टॉवल अगर नहीं होगी ना तो फिर जिम का कोई मतलब ही नहीं। तो अपनी टॉवल अपने पास, हम लोग निकल रहे हैं। शुरी 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 शुरी। तो यार गाइस, बालों में थोड़ा कुछ कराना है कि नहीं कराना है बताना यार, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि इसमें कैरेटिन की ज़रूरत है। बट कुछ दिन रुक लूँ, अब गाड़ी चलाएगा अभय यार, मैं बैठूँगा आराम से, क्योंकि भाई मुझे गाड़ी चलाना ना अब बड़ा बोरनेस लगता है। अबे अबे सीधे 56 वॉक चलना ना, तो वहीं से केले खा लेंगे। चल रहे हैं हम दोनों भाई, निकल दिए अब जिम के लिए। आज साला आज ही बॉडी बना लेंगे, एक ही दिन में चाहिए बॉडी भाई। केले लिए रहे, केले ले रहे हो क्या? चल तो रहे, चलो वही 56 वॉक चल रहा, वहीं से केले लेंगे, देन फिर उसके बाद जिम, और जिम के बाद फिर घर आएंगे, दवा खाएंगे, और एक ही दो दिन का अपना रहता है हर चीज। जॉगिंग करने जाते हैं तो एक दो दिन का, लेकिन नहीं इस बार पक्का है। कुत्ते खड़े हैं, चढ़ा दो, मतलब साइड से निकाल दो, चढ़ाना नहीं है यार। बालों में पता मैंने सीरम कुछ ज्यादा ही लगा लिया है, काफी बड़े हो गए। बाल कटवा लूं कि ना कटवाऊं? पे आप लोग सजेस्ट करना, बाल कटवा लूं कि ना कटवाऊं? मेरे हिसाब से तो बाल ठीक है यार, अगर आप लोग बोलोगे तो कटवा लूंगा यार, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यहाँ पे बच्चे पूरे दिन मैच ही खेला करते हैं यार, इन लोग को धूप नहीं लगती है, अपने को तो बहुत धूप। अबे ये बताओ, गेमिंग चैनल चालू करें कि ना करें? गेमिंग चैनल कौन सी गेमिंग की भाई? मतलब ऑल टाइप्स ऑफ गेम, जैसे मतलब प्लेस्टेशन, GTA 5, सैंडियास, ये सब जो लोग खेलते हैं, पूरा पबजी अब है कहाँ भाई? पूरा मतलब सेटअप बना के, मैंने भी ये बात की थी, बता कैसा रहेगा? PS5 महंगा आता है भाई, कितने का है भाई? होगा भाई 50,000 का। पागल है क्या? कितने? 60,000 का भाई, लाखों में आते हैं भाई। पीएस उसने क्या कहते, सौरभ जोशी ने लिया था, कितने का था पता नहीं, 6 जन पता नहीं कितने लाख का था भाई। 5 लाख का सेटअप पीएसी लिया, वो पीसी लिया ना पूरा। हाँ, पीएसी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ बता रहा हूँ, उसने 5 लाख का पीएसी लिया। पढ़ ले, कोरोना ने भाई सब खराब कर दिया है, बच्चों की बुद्धि। पढ़ ले, देखते हैं भाई, क्योंकि भाई क्योंकि अगर पीसी लेंगे ना, अगर 4-5 लाख रुपए गेमिंग के पर्पस से अगर बर्बाद करो ना, तो वो तो वेस्ट है भाई, क्योंकि वो लोग अपना भाई अर्न कर रहे हैं, समझ रहे हो? उनके भाई लाखों आ रहा है, तो वो कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो जितना 5 लाख एक वीडियो में लगाएंगे उतना एक चीज में लगाएंगे उतना वो वीडियोस कमा लेंगे, समझ रहे हो? तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना यहाँ 5 लाख लगाएंगे स्टार्टिंग, कोई मतलब नहीं, फर्जी बकवास है भाई वो, उसका तो कोई मतलब ही नहीं कि 5 लाख रुपए किसी गेम के पीछे लगाओ, वो भी स्टार्टिंग में, कोई मतलब नहीं। दू लाओ, बहुत दिन बाद आए आज हम। ठीक किया, बहुत दाम बढ़ा, बढ़ गए दाम। 10 रुपया के 10 रुपया का एक केला, 10 रुपए का एक केला मिलता है हमारी तरफ। मजा करेंगे आप, चलो कोरो खेला में जाओ। कितने केला है? 80 सौ। 80 सौ वो चार थे जो अपने बहुत पुराने हैं। दद्दू कह रहे केले तुम बहुत दिन बाद आओ, महंगे हो गए। हमने कितने का 10 रुपए का केला, हमने सही दद्दू। देखो गाइस, हम लोग ना कचरा फैलाने बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, तो आप लोग क्या करें, मजबूरी है, कचरा कचरा ना फैलाना आप लोग भी, क्योंकि भाई स्वच्छ भारत सुंदर भारत अपना मानना है, तो आप लोग भी भाई। वो कचरा नहीं मैंने फेंका है, वो वहां पे मतलब जैसे लिखा था कि यहाँ छिकल आप फेंक सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे हाथ निकाल के इसे फेंक दिया था। झूठ बोल रहा है। जिम आ गए, अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क कर दी है। अबे लॉक है ना, कोई नहीं, दिक्कत दिक्कत तो कोई नहीं है, गाड़ी देख के फिर से कर दो लॉक। मेरे हिसाब से अभी तो कोई आया नहीं होगा ना जिम में, 4:30 नहीं ना, तो अकेले करने का पूरी जिम खाली है, पूरी जिम में अकेले करो। 5:30 3-4 आ जाते हैं। हां हां, वो RTC वाले नहीं, पता नहीं कुछ, एक तुलसी है, एक तो बांसी आता है।
अच्छा अच्छा अभी है नहीं ना भाई, बंद है जिम अभी यार। यार अपनी जिम के अंदर एंटर हो चुके हैं। चला दो लाइटें आइटें, मचा दो शोर, चिल्ला दो शहर वालों को, बता दो जिम करने आ गए हैं। अबे यार भाई जिम बंद हो गई ना। अबे जिम बंद होने के बाद पता क्या होता है, अबे इससे तुम्हारा रूटीन खराब हो जाता है। ये बात सही है भाई, पहले जिम आते थे ना तो एकदम हर चीज रूटीन में आ गई थी, और अब एकदम रूटीन खराब हो चुका। तो यार ये है अपनी जिम आउटफिट, बस फटाफट जिम करेंगे। हाँ बस कनेक्ट कर रहा हूँ, अब अपनी जिम चालू करेंगे। यार फालतू की बकवास बाद में, थोड़ा जिम पे भी फोकस कर लें यार, शरीर बना लें। क्या कर रहा है? हाँ बटन दबा दे, बटन दबा दे ना, अबे दबा। उरी ऑन हो गया, ऑन कर, अबे बटन तो दबा। हाँ बस ठीक है, हो गया। जिम विम करके ऑल सेट, इसने भाई एक कुछ भी नहीं किया, किया अबे भाई क्या क्वालिटी आ रही है, देख ये देख, लोकेशन भी तो अच्छी है। ये गाइस टाइम मैं हवाइयों की चोटियों पे हूँ, तो अब मैं नीचे आ गया हूँ। यार पता है इसने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गाने बदले हैं जिम में, और कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ निकाल लेगा और कुछ नहीं किया। यार मैं तो गया थक, अब जा रहा हूँ घर में, कुछ खाऊंगा, आलू उबाल के खाऊंगा। क्या खाएगा भाई तू? जेड ब्लैक के साथ। इस पे ध्यान मत देना गाइस, ये माचिस सिर्फ ऐसी रखी गई है और किसी रीजन से नहीं माचिस भाई कार में। अरे वो कभी कुछ जलाना पड़ जाए। आग ऐसी लगाई मजा, बस कॉपीराइट पड़ जाएगा यार, तुम समझते नहीं हो यार। अब है पूरी गाड़ी कैसी है देखो यार, यहाँ हमारे यहाँ आईपीएल मैच चलता है, यहाँ यहीं से हमारे यहाँ से प्लेयर जाते हैं। बाकी इसमें कुछ मेहनती हैं, कुछ फर्जी ऐसे ही हैं, घूमने आते हैं हमारे, जैसे ये जिम करने आते हैं उसी तरीके ये लोग खेलने आते हैं, फर्जी वाले। कुछ तुमने कितनी कितना वर्कआउट किया है, सही बताना, सही बताना, पता क्या तुमने कुछ भी किया? तो बस बैठे रहा, इसने बस गाने, भाई इसने गाने बढ़िया बढ़िया सुनाए, एक में एक पैसा लगा रहा, जिसको सुन के लग रहा था मैं 50-60 किलो आज मार ही दूंगा। लेकिन सही है भाई, जो भी हुआ सही है। ये अपनी खड़ी पहली धनु, ये खड़ी दूसरी अपनी, यही लगा दो साइड में। बस अभी चलेंगे ना कुछ खाने वाने, अभी चलेंगे कुछ खाने यार, ऐसा थोड़ी सिस्टम पे सिस्टम। एक और चेहरा, हेलो गाइस, पहचाने इनको भाई, लग तो आज तुम बाबू रहे हो यार, देख लो बाबू लग रहा है ये। अब बाबू तो लगेगा भैया, शादी सा है भैया, पूरा क्या क्या खा के आए हो? हैं बहुत कुछ, सारा प्रोटीन इसने एक ही दिन में ले लिया, अच्छा पैक भी कर, पैक करा के भी लाया है ना? नहीं झूठ नहीं बोलना, सही बताओ पैक करा के लाया हो ना? नहीं लाया हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ क्या करने आए हो? अभी यहाँ मैगी खाने, मैगी खाने आयो, पक्का पैक करा के लाया है, घर में भी जा खाएगा मैगी, यहाँ खा लेगा घर जाकर। अच्छा सही बताओ ना, गुलाब जामुन नहीं पैक कराए शादी से? सही बताओ। नहीं पन्नी किस लिए ले गए थे, वो पीली वाली? पन्नी किस लिए ले गए थे, झूठ ना बोलो सही बताओ। अरे नहीं मैंने पैक कराई है, नहीं पैक कराई है। देखो ये मैसेज हटा रहा है, इसने वही कहा लिखा था कि पैक करा देना, वही वाले मैसेज हटा रहा है कि मैं पढ़ ना लूं। तो यार फिलहाल तो अपनी अभी मैगी भूली है, वो बना रहा है यार मैगी, और फटाफट मैगी खा के फिर क्या सीन है, कोई और शादी है? नहीं हम नहीं है, कोई शादी नहीं है नहीं। तो यार फिर घर ही जाना पड़ेगा यार, रुकना पापा की कॉल आ रही है। बैठे बैठे पर ये साली मैगी नहीं आ पाई अभी तक, इतनी देर में तो भाई मैं 20 मैगी बना देता घर में बैठे। सही बात है ना, सही बात है भाई 20 वही कहें यार, रिंग लाइट जलाओ 20 मैगी बन जाती है, और पता 20 नहीं तो 10 तो बन ही जाती है। हां 10 तो बन, भाई इतनी देर से बैठे हैं, हम लोग बाहर बैठ गए थे, मच्छर काटने लगे तो अंदर आ गए। वो ट्रेडिंग कर रहा है, पैसा मोटा कमा रहा है। अभी ट्रेडिंग किया करो, एलवी शादा को उसको देखो, उसके क्या कहते हैं
एलग्रो करके कुछ है उससे भाई ट्रेडिंग किया कर, मस्त बताता है एक नंबर उसका, हमें मतलब प्रॉफिट ही होता है उसका। चलिए मैंने एक बार किया था, हार गया था। तुम मत करना, तुम भी हार जाओगे। रील बनानी थी आज, बट रील मेरे पास है पहले की, तो मैं वही अपलोड कर दूंगा। कल से रेगुलर अपडेट देंगे रील पे भी और हर चीज पे। फिर एक दिन का दो दिन का गैप हो जाएगा। क्यों? कल से स्टार्ट हुआ, परसों फिर जा रहे हैं। अबे हाँ भैया, ये जा रहे हैं, ये जा कितने दिन के लिए जा रहे हैं? दो दिन के लिए ना? तो तीन दिन के लिए यार, को लौटूंगा। तुम मत जाओ अबे, लेकिन जरूरी है, टिकट विकेट हो गई, हर चीज हो गई, आंटी जी भी सब रेडी है, प्लान। तीन दिन तक फिर क्या करेंगे भाई, करना पड़ेगा अकेले ही हर चीज, फिर अकेले ही सेटल करना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं। ओनली थ्री डेज। तीन दिन के बाद तो फिर नहीं कोई इशू होगा ना? नहीं नहीं, तीन दिन तक देख लेते हैं, फिर उसके बाद रेगुलर रेगुलर अपडेट, और बहुत जल्द 0001 हम भी खड़ी कर देंगे। पहाड़ लो मैगी। मेरी मैगी कहाँ है? खानी है ये क्या? गाइस आप लोग ये मत सोचना कि ये ऊपर क्या रखा है यार, इसके ऊपर यार ये चीज़ है, और ये जो ओफो कुछ ज़्यादा ही गर्म है यार। और पता है यार, मेरी थोड़ी तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं दिन से एक तो लेट उठा, ठीक है, उसके बाद फिर रूटीन, फिर और एक तो आज जिम भी गए, तो जिम की वजह से भी काफ़ी दिन बाद जिम गए, अभी 5-10-12 दिन तो हो गए होंगे ना गए हुए, ज़्यादा हो गए। हाँ, तो इसीलिए शायद वही टूटन पटकन है जिम की, तो अभी घर जाके देखो, अगर नहीं आराम मिलेगा तो दवा खाएंगे, उसके पहले तो फिलहाल तो मैगी खाएंगे। देखो लगा है, ये नहीं कि हमसे पूछ ले भैया खा लो, नहीं भैया, भैया रख दिए, भैया अपने आप खा लेंगे। यार खा लूँ, मेरी आवाज़ से भी अब पता लग रहा होगा आप लोग को, फेस से भी, कि कुछ हल्का फुल्का रारस सी है मुझे। जल्दी से खा के फिर निकलते हैं, पहले डोलो ले लेंगे ना, डोलो सही रहेगी, मेडिकल स्टोर से भी डोलो ले लेंगे अगर, ताकि रात में अगर कोई समस्या हुई तो दिक्कत ना हो। गाइस यार खा पी के ऑल सेट, और तबीयत में थोड़ा कुछ चेंजेस है, मतलब मुझे लग रहा है कि तबीयत कुछ अब ख़राब हो रही है। अच्छा मैंने सोचा सही हो रही, चेंजेस कह रहे थे ना, मतलब चेंजेस ये है ना, मतलब कि पहले थोड़ा ठीक लग रहा था, अब मैगी वैगी, मतलब भाई मैगी मैंने कैसे खाई है मुझे पता है, क्योंकि बिल्कुल हट जाओ सामने से, देखो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, घर जा कर रेस्ट करूँगा, दवाई ले लो। बिल्कुल देख रहे हो, एक मैगी खा करके ऐसा हो रहा है डकार एकदम की अजीब टाइप से। अब सीधे घर चलेंगे, गर्म पानी पियेंगे ना, गर्म पानी करके, नहीं फ्रिज का पानी पियो। हाँ फ्रिज का तो ज्यादा ठीक लगेगा, मतलब मेरे पैरों में, पता मेरे पैरों में ऐसे टूटन मची, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जिम की वजह से हो रहा है या जिम का दर्द है इसी वजह से। ठंडा पानी पियो अच्छा लगेगा, क्या ठंडा पानी पियो अच्छा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, समझ सकते हैं भाई, मैगी खा लिया जाता। गाइस अगर कोई व्यूवर्स में अगर कोई प्रिंसिपल या टीचर देख रहा हो तो स्कूल बताइएगा, इनका एडमिशन कराना है। बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है मुझे, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट उम्र का कोई, उम्र की कोई बात नहीं, उम्र से कोई मतलब नहीं, हम फर्स्ट क्लास में तब भी इनको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा टैलेंटेड हो चुके हैं, तो इनको हमारे स्कूल में जरूरत है इनकी। सो गाइस घर आ गए हैं, काफी देर पहले आ गया था, आके मैंने मेडिसिन वेडिसिन खा के लेट गया हूँ, और इनको देखो ये टुकलू दास, टुकलू दास हैं, टुकलू दास बाबू, इधर आओ माई, ए माई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो गाइस यार अभी थोड़ा आराम है, मैंने मेडिसिन खाई है और अब चाह रहा हूँ थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, अगर आराम मिलता है तो ठीक है, वरना फिर अगेन मेडिसिन खाऊंगा मैं। अभी तो आधी गोली ली थी, फिर पूरी गोली खाऊंगा, क्योंकि मेरी आँखों से भी लग रहा है कि क्या चाहिए ऐसे बताओ आके, ये चाहिए ले लो, लो 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 ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो हाँ ले लो 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 हाँ ले लो
दोनों चाहिए, एक ही ले हो, एक ही ले हो, लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो ले ओ गिरा दो लाम लगा लेम लगा लेम। तो ऐसा थोड़ा रिलीफ है, उठते हैं खाना ना खाते हैं। हाँ बाबू जाओ खाना ले। ए ए ए ए ए ए ए ए ए उठते हैं खाना ना खाते हैं, देन फिर थोड़ा और आराम मिलेगा खाना वाना खा के। अरे 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 तो गाइस यार खाना वाना खा के ऑल सेट। तो यार अभी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी कुछ पल पहले, तो मैंने बताया था मैंने मेडिसिन खाई है, तो मैंने मेडिसिन खा के खाना खा के जब मैं थोड़ा वॉक किया तो काफ़ी मुझे आराम था, क्योंकि मैं जिम गया था ना उससे पहले मैंने प्री वर्कआउट भी नहीं लिया था और कैरेटिन भी नहीं लिया था, तो क्या पता इस वजह से थोड़ा मतलब वीकनेस हो गई हो, क्योंकि उतनी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिल पाया जितना मतलब वो चाहिए हो। मैंने वर्कआउट हैवी किया था तो इस चक्कर में शायद बॉडी टूट रही हो या ऐसा कुछ हो। तो अब तो फिलहाल आराम है, अब दवाई वाई कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़िया खाना ना खा के दूध रखा है अभी बस ठंडा होने के लिए, और उसको पी के देन तुरंत सो जाएंगे और कल का रूटीन अपना पूरा चेंज, क्योंकि कल से लग जाना इंस्टाग्राम यूट्यूब हर प्लेटफॉर्म पे फुल अप रेगुलर अपडेट देना है, बहुत ज़्यादा मतलब काम ढीला ढीला चल रहा था, तो अब सारा फालतू का चीज़ें सब जा चुकी हैं और बस पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी ही अपने पास है। तो अब कल से फुल घूमना होता है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप आप लोग को बहुत दिनों बाद कुछ देखने को मिला, तो आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और ढेर सारा प्यार दिखा देना। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।